जय हिंद स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। सो आज है 2nd सितंबर 2024 और आज के करंट अफेयर्स को हम लोग कवर करने वाले हैं। आप में से जो भी स्टूडेंट्स यूपीपीसीएस, यूपीएससी, बीपीएससी या किसी भी स्टेट पीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो लेक्चर को एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि यहाँ पर हर एक न्यूज को हम लोग डिटेल में कवर करते हैं। और यूपीपीसीएस की अगर जीरो से लेकर सिलेक्शन तक की तैयारी चाहिए तो उत्तर प्रदेश पीएससी का नंबर वन कोर्स है ज्ञान सर का पेड कोर्स, इसको जरूर ज्वाइन करें इन दिए गए नंबर पर कॉन्टेक्ट करके। इसके अलावा ओनली करंट अफेयर्स के नाम से और स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के नाम से हमारे टेलीग्राम के चैनल्स हैं जिनका आप ज्वाइन कर सकते हैं, प्लस इंस्टाग्राम का हमारा पेज है, इसको आप फॉलो करिए, क्योंकि यहाँ पर हम लोग एग्जामिनेशन से रिलेटेड अपडेट्स आपको प्रोवाइड कराते हैं। तो आइए आज कौन से टॉपिक्स हम लोग कवर करने वाले हैं इसके बारे में बात कर लेते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, गुरु पद्म संभव के जीवन के बारे में, उनकी विरासत के बारे में हम लोग बात करेंगे। दूसरे टॉपिक के अंदर हम लोग गुरु ग्रंथ साहिब के बारे में बात करेंगे। दोनों ही टॉपिक जीएस पेपर वन से रिलेटेड हम लोग को देखने को मिल रहा है। तीसरा जो टॉपिक हम लोग को देखने को मिल रहा है वो नेशनल स्पोर्ट्स डे 2024 से रिलेटेड देखने को मिल रहा है। अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टेट पीएससी के लिए। क्रिप्टो करेंसी, इसके बारे में तो आपको जानकारी है ही थोड़ी बहुत, तो इससे रिलेटेड बहुत अच्छा एक आर्टिकल आया। क्या ये एक रेवोल्यूशन है, क्या ये क्रांति है, या फिर ये एक स्पेक्यूलेटिव बबल है? देखो, स्पेक्यूलेशन के बहुत सारे मतलब होते हैं, जैसे कि अनुमान, किसी चीज का अनुमान लगाना, स्पेक्युलेट करना, सट्टेबाजी को भी कहते हैं। कई बार चिंता करने को भी हम लोग जो है वो स्पेक्युलेशन जो है वो कहते हैं। कई बार विचार करने को हम लोग स्पेक्युलेशन जो है वो कहते हैं। तो ये एक क्रांति है या फिर स्पेक्युलेटिव बबल है। अब देखो, यहां पर हिंदी में तो लिखा है कि आधारित अनुमान, ये नहीं है, गलत है ये, राइट। अनिश्चितता पर आधारित अनुमान, अनिश्चितता जरूर, यस, कि अनिश्चितता कि भाई ये ठीक है कि नहीं क्रिप्टो करेंसी, क्योंकि ये एंड टू एंड इंक्रिप्शन के ऊपर बेस्ड हम लोग को देखने को मिलती है, राइट। लेजर टेक्नोलॉजी के ऊपर हम लोग को जो है वो देखने को मिलती है कि बेस्ड सही है, राइट। तो काफी सारी चीजें इसके बारे में समझेंगे, मजा आ जाएगा, बहुत अच्छा आर्टिकल है, जीएस पेपर थ्री के पॉइंट ऑफ व्यू से है। इकोनॉमिक्स के परस्पेक्टिव से आपसे क्वेश्चन जो है पूछे जा सकते हैं मेन्स के अंदर। फिर पीजो इलेक्ट्रिक नैनो कंपोजिट एनर्जी हार्वेस्टिंग के लिए हम लोग को जो है वो देखने को मिल रही है, तो इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे कि ये क्या है। अगेन साइंस एंड टेक्नोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट टॉपिक। चलिए, और पेन और पेपर लेकर बैठिए, जो भी चीज मैं आपको बताऊंगा सिर्फ वही चीज नोट डाउन करनी है, इसके अलावा और कुछ नोट डाउन करने की जरूरत नहीं है। तो जो पहला टॉपिक है इसमें बात हो रही है गुरु पद्म संभव जी के जीवन के बारे में। तो कौन है ये, इनका क्या योगदान है, आइए इस चीज को समझते हैं हम लोग। तो अभी क्या हुआ, इंटरनेशनल बुद्धिस्ट कॉन्फेडरेशन हुआ, उसने ये दो दिन का हम लोग को इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस देखने को मिला, आईबीसी और नव नालंदा महाविहार के बीच में कोलैबोरेशन हुआ दो दिन के इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस का, जिसमें डिस्कशन हुआ गुरु पद्म संभव जी के जीवन के बारे में और उनकी विरासत के बारे में। और ये कहां पर हुआ, 28 और 29 अगस्त को नालंदा बिहार के अंदर हुआ। ये लिख लेना भैया, ये इंपॉर्टेंट है, ये स्टेट पीएससी जो है वो पूछ सकती है, यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बुद्धिज्म से जुड़ा ये टॉपिक है। गुरु पद्म संभव जी, जिनको गुरु रिनपोचे के नाम से भी जाना जाता है, ये भी लिख लो ब्रैकेट में, गुरु रिन पहुंचे। तो बुद्ध धम्म में एक पूजनीय व्यक्ति हैं ये, बुद्ध धम्म के पूजनीय व्यक्ति लिखिए। इन्हें हिमालयी क्षेत्र में शिक्षाओं का प्रसार करने का श्रेय जाता है, कि इन्होंने हिमालय क्षेत्र में शिक्षा जो है उसको प्रमोट किया, एजुकेशन को प्रमोट किया हिमालयन क्षेत्र में। तो ये फैक्ट्स लिखने वाले हैं। और इस सम्मेलन का उद्देश्य यह था कि गुरु पद्म संभव जी के जीवन, उनकी शिक्षाओं और समकालीन दुनिया में उनकी प्रासंगिकता के विभिन्न पहलुओं का विश्लेषण करना, मतलब कि एक्सप्लोर करना उनके वेरियस एस्पेक्ट्स, उनकी लाइफ, उनकी टीचिंग से रिलेटेड किस प्रकार से आज की रेट में, आज के कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड में कैसे रेलिवेंट होते हैं, कि उनकी शिक्षा जो है आज की रेट में किस तरीके से काम में आएंगी, तो इस चीज के बारे में यहां पर डिस्कशन हुआ। तो अभी तक आपको एक चीज क्लियर हो गई, गुरु पद्म संभव जी कौन, इन्होंने बुद्धिस्ट धम्म जो हम लोग को देखने को मिलता है उसके लिए जाने जाते हैं, उस बुद्धिस्ट धम्म में एक पूजनीय व्यक्ति है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट हमें मिल गया, हिमालय क्षेत्र में इन्होंने एजुकेशन को प्रमोट किया, और आज की डेट में टारगेट जो है वो यही है कि इनकी टीचिंग से आज की डेट में क्या फायदा हो रहा है उस चीज को समझना, इस कॉन्फ्रेंस का उद्देश्य था। क्लियर यहां तक बात है। नेक्स्ट, इनकी लाइफ और इनकी टीचिंग के बारे में आइए समझते हैं, कभी कभी इनसे रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है। तो ये किस समय पर थे, 8वीं शताब्दी के समय पर, 8th सेंचुरी के समय पर थे। इनको सेकंड बुद्ध जो है वो कहा गया है, याद रखिएगा, इनको दूसरा बुद्ध जो है वो माना गया है। इन्होंने बुद्ध धम्म को जो है वो स्प्रेड किया, पर्टिकुलरली तिब्बत और
हिमालय क्षेत्र में। इन्होंने बुद्धिस्ट टीचिंग जो है वो लोकल कल्चर में जो है वो एडॉप्ट करवाई कि लोकल वहां के जो लोकलाइट्स हैं हिमालय क्षेत्र के वो बुद्धिस्ट की उनको ज्ञान मिले, नॉलेज मिले। और तिब्बतन बुद्धिज्म के वन ऑफ द फाउंडिंग फिगर है ये। इसके अलावा इनके अलावा आचार्य शांता रक्षिता और राजा थीसोंग द्योस्टेन, ये याद रखिएगा, ये तीनों ने मिलकर, यानी कि गुरु पद्म संभव जी ने मिलकर प्लस आचार्य शांता जी ने मिलकर और राजा ने थीसोंग द्योस्टेन ने मिलकर तिब्बतन बुद्धिज्म जो है उसका गठन किया। ये लिखेंगे आप, बहुत इंपॉर्टेंट ये पूरे पॉइंट्स हैं। नेक्स्ट, वज्रयान बुद्धिज्म और जोग चैंग ये क्या है, आइए इसको समझते हैं। तिब्बतन बुद्धिज्म को ही हम लोग वज्रयान या फिर तांत्रिक बुद्धिज्म जो है वो कहते हैं, लिख लीजिएगा। महायान बुद्धिज्म का ये एक्सटेंशन है, जैसे हीनयान और महायान आपने पढ़ा होगा, ग्रेटर व्हीकल लेसर व्हीकल पढ़ाएगी नहीं पढ़ा है, इसलिए कहते हैं जीएस की तैयारी बहुत अच्छे से करनी है। जिन भी स्टूडेंट ने हमारी प्राचीन भारत के इतिहास के टॉपिक्स को पढ़ा होगा तो उनको ये अच्छे से रिलेट कर पा रहे होंगे इस टॉपिक को, क्योंकि हमने हर एक चीज डिटेल में कवर कराई है कि वज्रयान किसका पार्ट है, महायान का, महायान का ही एक्सटेंशन है और तिब्बतन बुद्धिज्म ही यही है वज्रयान। अब नियंगमा सेक्ट की जो टीचिंग्स है, नियंगमा जो संप्रदाय है उनकी शिक्षा जो है वो किसके ऊपर आधारित है, गुरु पद्म संभव जी के डॉक्ट्रिन के ऊपर, सिद्धांतों के ऊपर आधारित है, जिसमें हम लोग को देखने को मिलता है कि जोग चैन की बात की गई है, यानी कि ग्रेट परफेक्शन, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस। और ये होता ही है, हर एक आदमी अपने आप को जो है वो बेटर बनाने की कोशिश करता है, यही है जोग चैन। अभी आपसे क्वेश्चन इस प्रकार से पूछा जाएगा कि बताइए कि जोग चैन जो है वो क्या है, तो आपको पता होना चाहिए कि जोग चैन जो है वो बेसिकली एक प्रकार की, मतलब क्या चीज है, ग्रेट परफेक्शन, महान पूर्णता को हासिल करना, ये सबसे महत्वपूर्ण प्रैक्टिस है इसके अंदर। नेक्स्ट, जोग चैन जो है वो ये बोलती है कि आप जो है प्योर अवेयरनेस की स्टेट पे आ सकते हो, जागरूकता, उच्च माध्यम की जागरूकता पे आप आ सकते हो। और कब आओगे, जब आपको मेडिटेशन आप करोगे, और मेडिटेशन में तो बहुत शक्ति होती है यार, आप लोग को तो करना चाहिए, इससे कॉन्सेंट्रेशन पावर जो है वो इंक्रीज होती है, इंसान का पॉजिटिव माइंडसेट जो है वो डेवलप होता है। आप तैयारी कर रहे हो सिविल सर्विसेज की, मेडिटेशन इज मस्ट फॉर यू, एटलीस्ट 10 मिनट तक ध्यान लगाओ, तो कुछ नहीं करना है, ध्यान का मतलब ये है कि अपनी सांसों पर फोकस करो, क्योंकि जब आप इनहेल करोगे एक्सहेल करोगे तब आप कुछ सोचना नहीं है, आपको सिर्फ सांसों को देखना है अंदर जाते हुए, मतलब आग बंद करके देखना है, मतलब महसूस करना है और फिर सांसों को छोड़ना है। अगर आपने स्टार्टिंग करो 1 मिनट 2 मिनट 3 मिनट जितना आपसे बन पा रहा है, बट माइंड में थॉट्स नहीं आने चाहिए, आपको अपने माइंड को जो है बिल्कुल वो करना है कि आपका दिमाग जो है वो कुछ सोचे ना उस स्टेट में, तब होती है सही तरीके से मेडिटेटिव प्रैक्टिस, इसका स्टेज वन है। अब हमने क्या देखा कि भाई जोगजेन ये बोल रहा है कि आपको भैया प्योर अवेयरनेस हासिल हो सकती है और वो तभी होगी, पूर्णतः जागरूकता तभी हासिल होगी जब आप ध्यान करोगे, मेडिटेशन करोगे। वाइल वज्रयान जो है इसने ये रिचुअल जो है वो शामिल किए, सिंबल शामिल किए और तांत्रिक प्रैक्टिस की बात करी निर्वाण अचीव करने के लिए। वज्रयान के अंदर अगर आपको निर्वाण प्राप्त करना है तो अनुष्ठान के थ्रू, कुछ सिंबल्स प्रतीकों के थ्रू और तांत्रिक प्रथाओं के थ्रू जो है वो हो सकता है, पॉसिबल। नेक्स्ट, गुरु पद्म संभव जो है उनको अलग अलग कल्चरल एलिमेंट्स के लिए भी, मतलब उन्होंने अलग अलग जितनी भी हम लोग को देखने को मिलती थी ना सांस्कृतिक तत्व, इसको शामिल किया बुद्धिस्ट प्रैक्टिस में, जैसे कि आर्ट, म्यूजिक, डांस, फोकलोर, इन पूरी चीजों को, लोकगीत को, नृत्य को, संगीत को, कला को, इसको बुद्धिज्म के अंदर, बुद्धिज्म प्रैक्टिस के अंदर जो है वो शामिल कर लिया गुरु पद्म संभव ने। इनकी जो टीचिंग है, इनकी लेगेसी है, इनकी जो शिक्षा है वो अलग अलग फॉर्म में प्रिजर्व्ड है, जैसे कि इनकी मैनुस्क्रिप्ट है, पांडुलिपि जिसको हम लोग बोलते हैं, रेलिक्स में है, इनके अवशेष हैं, कुछ पेंटिंग्स है, चित्र है, कुछ मॉन्यूमेंट्स है, स्मारक है, तो इन सब में इनकी जो शिक्षा है उसकी जानकारी हमें मिलती है। इस कॉन्फ्रेंस का मेन ऑब्जेक्टिव हम लोग को ये देखने को मिला था, अभी जो हुई है कॉन्फ्रेंस 28-29 अगस्त को बिहार नालंदा में, तो कॉन्फ्रेंस का मेन ऑब्जेक्टिव जो है ये था गुरु पद्मा
पद्म संभव जी की शिक्षा जो है वो आज की डेट में किस प्रकार से हेल्पफुल हो सकती है, इनकी अप्रोच जो है हम किस प्रकार से अपनाएं कि इससे कि कल्याण हो इस दुनिया का, इस संसार का। तो इंटरनेशनल बुद्धिस्ट कॉन्फेडरेशन के बारे में आप सुन लो, तो ये एक अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन है जो न्यू दिल्ली में है, लिख लो। ये प्लेटफॉर्म है बुद्धिस्ट के लिए, वर्ल्ड वाइड प्लेटफॉर्म फॉर बुद्धिस्ट। एक मंच हम लोग को देखने को मिलता है दुनिया भर के बौद्धों के लिए। 320 से भी ज्यादा मेंबर ऑर्गेनाइजेशन है इसके अंदर, 39 कंट्रीज के, वेरी इंपॉर्टेंट। और इनका ऑब्जेक्टिव ये है कि बुद्धिज्म की टीचिंग और प्रैक्टिसेस को रहे वो प्रमोट करना ग्लोबल लेवल पर। अब ये जीएस पेपर 1 के अंदर आता है कि इंडिया के अंदर बुद्धिज्म 2600 साल पहले जो है वो ओरिजिनेट हुआ था, आप जानते हैं सिद्धार्थ गौतम बुद्ध हम लोग को देखने को मिलते हैं। और ये चीज हमारी जीएस की क्लास में, जनरल स्टडीज की क्लास में डिटेल में पढ़ाया हुआ है, जिसमें बहुत अच्छे से स्टोरी फॉर्म में हमने देखा था। और इवन ये भी देखा था कि काफी सारे बुद्ध हैं, सिर्फ एक बुद्ध नहीं है, काफी सारे बुद्ध हैं। जैसे भी गुरु पद्म संभव जी की बात करें तो उनको दूसरा बुद्ध कहा गया है। फ्यूचर में भी बुद्ध जो है वो जन्म लेंगे, पता है आपको। और ये वन ऑफ द मेजर रिलीजन है साउथ और साउथ ईस्ट एशिया में। बुद्धिज्म का ओरिजिन कहां से हुआ कोई बता सकता है मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर, कहां से बुद्धिज्म ओरिजिनेट हुआ? अक्सर लोग इस पर गलती कर देते हैं, हमारे देश को ही भूल जाते हैं। इंडिया में ओरिजिनेट हुआ है बुद्धिज्म। लोग कई बार भूटान मार्क कर देते हैं, कई बार तिब्बत बोल देते हैं, इंडिया के अंदर। भगवान बुद्ध सिद्धार्थ को ज्ञान की प्राप्ति कहां पे होती है बताओ, कमेंट बॉक्स में लिखकर। कहां पर भगवान बुद्ध को, सिद्धार्थ को, भगवान बुद्ध नहीं सिद्धार्थ, क्योंकि उस ज्ञान की प्राप्ति के बाद ही उनको बुद्ध कहना शुरू किया। अरे सिद्धार्थ जब अपने घर से निकले थे, घर छोड़ के गए थे, तो वो किस कारण छोड़ के गए थे? क्या उनने ऐसी चार चीजें देखी कि जिसके कारण उनको अपना घर छोड़ने पर मजबूर हो गए वो? और आपको पता होना चाहिए कि बिंबिसार जो थे उस समय राजा हुआ करते थे, और उनके पिताजी भी राजा थे। और आपको पता है इन्होंने बिंबिसार ने एक्चुअली इनको पकड़ लिया था इनके पिताजी की रिक्वेस्ट पर, बट इनने बिंबिसार को मना कर दिया कि नहीं मैं नहीं आऊंगा। बिंबिसार ने बोला, यार तुम एक काम करो, गद्दी पे बैठो, एंजॉय करो, लाइफ एंजॉय करो, तुम राजा के पुत्र हो यार, तुम ऐसे भिक्षुओं वाली जिंदगी मत जियो। तो उन्होंने बोला, ठुकरा दिया बिंबिसार के ऑफर को, क्योंकि उनने बिंबिसार ने ये बोला कि मैं तुम्हें जो है वो पूरी व्यवस्था करवा के जो है वो दूंगा, हर चीज जो तुम्हें चाहिए वो दूंगा, रोल्स रॉयस मिलेगी, हायाबुसा मिलेगी, ऐश करो यार, तुम लग्जरी कार में घूमो, बढ़िया, कोई टेंशन लेने की तुम्हें जरूरत नहीं है। इन्हें मना कर दिया, बोला नहीं, कोई महल नहीं चाहिए, कोई लग्जरी कार नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। तो बोला, भैया ऐसा क्यों बोल रहे हो तुम? तो इनने वादा किया, मैं आऊंगा काशी तुमसे मिलने, बहुत जल्दी आऊंगा। और फिर जब इनकी मुलाकात होती है बिंबिसार से, दोबारा से फेस टू फेस, तब बिंबिसार इन्फ्लुएंस होके बुद्धिज्म को अडॉप्ट कर लेते हैं, और फिर उनके पुत्र अजातशत्रु। अरे बढ़िया स्टोरी है यार, मजा आ जाएगा सुनने में। अच्छा मैंने भी बीच में, क्योंकि अभी रोल्स रॉयस और इन सब का उपयोग किया, तो एकदम से ये मत सोचना कि यार ये ऑब्वियस ही होता है, ये समझाने दिमाग पर बैठाने के लिए किया जाता है कि किसी व्यक्ति की नीड्स इस लेवल तक फुलफिल कर दी थी बिंबिसार ने कि कोई उसको ऐसा ऑफर दिया था कि कोई रिजेक्ट करने से पहले 10 बार सोचे। इनने एक बार नहीं सोचा, इन्होंने बोला हटाओ, नहीं चाहिए मुझे कुछ, मुझे रहने दो ऐसा। और आपको पता है एक बार ये चक्कर खा के नदी में गिर गए थे सिद्धार्थ, क्योंकि इनने खाना वाना सब त्याग दिया था। और वो ही एक समय था जिसके बाद से इन्होंने मध्यम मार्ग यानी कि मिडिल पाथ जो है फॉलो किया, पता है आपको। मरते मरते बचे थे, इनके दोस्तों ने उनको बचा लिया था कूद के पानी में, डूब जाते ही। बहुत बहुत बढ़िया बढ़िया चीजें हैं यार, जब सुनोगे समझोगे। सिविल सर्विसेज की तैयारी करनी कैसी है, उस तरीके से जिससे कि सिलेक्शन हो। सिर्फ पढ़ना नहीं है सिविल सर्विसेज की तैयारी, वो कॉन्सेप्ट समझने हैं। कॉन्सेप्ट एक बार क्लियर होगा तो हर चीज क्लियर हो जाएगी, गारंटी। एनीवेज आगे बढ़ते हैं। बुद्धिज्म, बुद्धा की टीचिंग जो है इसके अंदर हम लोग को 4 नोबल ट्रुथ देखने को मिलते हैं और 8 फोल्ड पाथ देखने को मिलता है, राइट, जो बुद्धिस्ट फिलोसफी का फाउंडेशन है, राइट। 4 आर्य सत्य और अष्टांगिक मार्ग, ये जानते होंगे आप, नहीं जानते तो पढ़ना पड़ेगा भैया,
डिटेल में जीएस की क्लासेस में सब कुछ मिलेगा आपको। बुद्धिज्म जो है, अब आपको पता ही है, नॉन वायलेंस, एजुकेशन, कल्चरल एक्सचेंज, इन सब चीजों पर हमने फोकस किया। फिर बुद्धिस्ट काउंसिल्स की बात करें तो टीचिंग जो है बुद्ध की, वो किस पे है? संघ। संघ क्या होता है कोई बता सकता मुझे? जो मेरे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने हमारे बैचेस को ज्वाइन किए हुए हैं, तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स पर लिखकर बताओ कि संघ क्या है, ये किस चीज को संघ कहा गया है। एक छोटा सा हिंट देता हूं, इसके मेंबर्स बुद्धिज्म को प्रमोट करते हैं। फिर बाद में त्रिपिटाका, यानी कि थ्री बास्केट। अब मुझे ये भी नीचे कमेंट बॉक्स पर लिखकर बताइए कि त्रिपिटाका में क्या क्या चीजें आती हैं, त्रिपिटाका किन किन किताबों से मिलकर जो है बना है। ये किताब है बेसिकली, पता है आपको, त्रिपिटाका। फिर काउंसिल जो है, अच्छा, और बुद्धिस्ट काउंसिल जो है वो टोटल कितनी हुई है? अक्सर लोग एक गलती करते हैं, तीन बुद्धिस्ट काउंसिल बताते हैं, बट एक्चुअल में तीन नहीं है वो, टोटल कितनी है मुझे कमेंट बॉक्स पर लिखकर बताओ। म्यांमार में हुई है 2 बुद्धिस्ट काउंसिल, म्यांमार में और एक श्रीलंका में हुई है, सॉरी, एक म्यांमार एक श्रीलंका, 5 है टोटल। लोग अक्सर गलती करते हैं क्योंकि देखो किताब में जो पढ़ोगे आप उसमें लिमिटेड इन्फॉर्मेशन एनसीईआरटी वगैरह में होती है, बट आप कर रहे हो सिविल सर्विसेज की तैयारी, थोड़ा सा आपको एडवांस जाना पड़ेगा। और किस सब्जेक्ट में कितना एडवांस जाना है, किस टॉपिक में कितना एडवांस जाना है, वो हम सेट करके आपको देते हैं कि जिससे कि सिर्फ वही चीज जो है जो पढ़ा रहे हैं वो पढ़ो और एग्जाम में सिलेक्शन हासिल करो। फिर काउंसिल जो है उसमें हम लोग को देखने को मिलता है कि काफी सारे बुद्धिस्ट के सेक्ट जो है वो बने। आपको पता है कि अब देखो क्या होता है कि यार कि भगवान बुद्ध की जो टीचिंग थी वो काफी वो थी, यानी कि 100 साल का समय बीत गया। अब ऑब्वियस बात है कि जैसे जैसे समय बीतता है परिवर्तन होते हैं, है ना, समय के अनुसार परिवर्तन जरूरी होता है, तो लोगों ने अपने अपने हिसाब से चेंजेस करना शुरू किया, रूल्स रेगुलेशंस में चेंजेस करना शुरू किया, किसी की विचारधारा जो है वो कुछ बन रही है, किसी की कुछ बन रही है, तो ये क्या हुआ, बुद्धिज्म के अंदर डिवीजन हो गया। और जहां जिस चीज में डिवीजन होता है वहां वो चीज धीरे धीरे करके एंड होने लगती है। काउंसिल जो है इसमें हम लोग को थेरावाद, महायान, हीनयान, ये सब हम लोग को देखने को मिला, डिवीजन होना शुरू हुआ। वज्रयान, बुद्धिस्ट टेक्स्ट जिसके अंदर विनय पिटाका, सूत पिटाका और अभिधम पिटाका, ये वो ये तीन पिटाका का आपका आंसर मिल गया। ये सेंट्रल अंडरस्टैंडिंग की बात करते हैं बुद्धिस्ट टीचिंग की। फिर बुद्धिज्म जो है वो पूरे एशिया में फैलाया गया, अशोक जो था उसने बहुत अपने बच्चों के थ्रू बुद्धिज्म को स्प्रेड किया, धम्म को, धम्म की नीति। और अशोक की धम्म की नीति बहुत तगड़ी थी यार, ये जब आप एंशियंट इंडियन हिस्ट्री में समझोगे इस धम्म की नीति को, तो आपको पता लगेगा कि अशोक की धम्म की नीति ही बहुत अच्छी थी, बट ये नीति ही कारण था मौर्यन एम्पायर के पतन का। मौर्य साम्राज्य था, उसके पतन का ही कारण अशोक की धम्म नीति थी, क्योंकि धम्म नीति बेस्ट थी, बेस्ट, बट अशोक के जो उत्तराधिकारी थे उसको यूज कैसे करना है धम्म की नीति को वो समझ नहीं पाए। वो सिर्फ इतना समझ गए थे कि धम्म की नीति मतलब शांति करना, अशोक ने कभी भी शांति नहीं करी थी भैया, चंड अशोक ऐसे नहीं बोलते उसको, स्ट्रेटेजिक पर्सन है, वो सिखा नहीं पाया सही तरीके से कि धम्म बेटा क्या होता है। उसने यही सिखाया पब्लिक के बीच में कि धम्म का मतलब शांति मेंटेन करो। 13 मेजर पिलर्स थे ना उसके, पढ़ते हो आप लोग अशोक के 13 मेजर पिलर्स के बारे में, तो उसमें अलग अलग शिक्षाएं जो है वो दी हुई हैं, बताया हुआ है कि किस तरीके से धम्म की प्रैक्टिस करनी है ना। तो उसमें क्या बताया, स्पिरिचुअल चीजें बताई है कि मारना नहीं है किसी को, बट अशोक अलग पर्सनालिटी था। अशोक क्या करता था, अब आप ध्यान समझना, आप कहीं चलो राइट, आप एक आईएएस ऑफिसर हो या आईपीएस ऑफिसर हो, आईपीएस मानते हैं अपन, ठीक है, आप एक आईपीएस हो या आईएएस, जो भी ले लो, चलो आप जा रहे हो कहीं पे, आपके साथ बॉडीगार्ड, गनमैन सब कुछ खड़े हुए हैं और आप मुस्कुरा के सिर्फ ऐसे हाथ जोड़ रहे हो, मतलब कोई आपके पास आया और आपने सिर्फ ऐसे मुस्कुरा के हाथ जोड़ा, तो आपसे भिड़ने की किसी की औकात हो सकती है? नहीं ना। सेम विद अशोक, अशोक से उसके शत्रु जब लड़ने आते थे, अशोक की स्ट्रैटेजी थी कि मुझे कैसे बिना लड़ाई लड़े जीतना है आप सब चीजें और हिस्ट्री में अपना नाम अच्छा करना है, ये स्ट्रैटेजी थी। अब एक सोचो, इतना बड़ा व्यक्ति जिसने पूरे इंडिया पर अपना कब्जा कर लिया था, मौर्यन एम्पायर को चरम सीमा में पहुंचा दिया था, उस व्यक्ति ने अचानक से, उसका आखिरी युद्ध था कलिंग,
उससे पहले तो उसने अपने 99 भाइयों को मार दिया था, ऐसा कहा जाता है, वो तो एग्जैजरेशन है हिस्ट्री के अंदर वैसे, तो उसने अपने भाइयों को कत्ल कर दिया, सोचिए आप। तब उसको उसको दर्द नहीं हुआ, उसको दर्द कब हुआ, जब उसने देखा कि इतना लाशें पड़ी, उसने इतनी बैटल लड़ी है, इतनी लड़ाइयां लड़ी है, कि उसने इतनी इतने लोगों का कत्ल किया है, और भी क्रूरता के साथ, उसका एकदम से दिल कैसे पिघल गया भैया, सोचने वाली बात है। यही तो पढ़ना है आपको सिविल सर्विसेज के अंदर, बट आप क्या कर रहे हो, जो चीज लिखी हुई बस वो पढ़ के समझ ले रहे हो, ये नहीं है गेम सिविल सर्विसेज का। बिटवीन द लाइन समझना चीजों को, वो एक अलग होता है, इसलिए मैं आपको एक अलग अंडरस्टैंडिंग दे रहा हूँ, मैं थोड़ा सा एक प्रकार से डेमो दे रहा हूँ कि किस प्रकार से हमारे जीएस की क्लास में पढ़ाया जाता है, अंडरस्टैंडिंग कैसे क्रिएट होती है। देखो ध्यान समझना, अशोक ने जीत लिया सब कुछ, इतना बड़ा बन चुका है कि किसी को औकात नहीं उसके सामने खड़े होने की, बट बात समझिएगा, अब जब कोई अशोक से लड़ने आया, अशोक के बॉडीगार्ड्स खड़े हैं गन लेकर पीछे अशोक के, सामने वाला जब लड़ने आया तो उसको पता है कि मैं भिड़ तो जाऊंगा, बट अशोक की इतनी औकात है कि मेरी पिटाई कर देगा, बट वो पिटाई नहीं कर रहा, वो आके हाथ जोड़ रहा है, बोल रहा है कि तुम्हें चाहिए क्या, मेरी जमीन चाहिए, मेरी गद्दी चाहिए, सब ले लो मेरा, लो बैठ जाओ, जाओ मेरी गद्दी पे आके बैठो, आओ चलो कम ऑन। सामने वाले की औकात नहीं होगी वहां तक पहुंचने की, बैठने की, उससे पहली पिटाई हो जाएगी उसकी, और पहले पॉइंट ये है। दूसरा पॉइंट ये होता है कि भीख में हुई दी हुई चीजें कोई नहीं लेता, खैरात में बांटी गई चीजें नहीं लेता कोई, कोई दूसरी स्टेट का राजा आ रहा है लड़ाई लड़ने अशोक से, और अशोक उसको बोले कि अरे ले ले यार मुझे नहीं चाहिए, जा चल तू ले ले, आया ना लेने के लिए, लड़ाई होने मत कर, ले जा बक, तेरी इतनी औकात है लेने की, ले ले। तो सामने वाला एकदम खुश और पागल, हार गया उसने तो, अशोक के सामने हार गया वो, उसने बोला यार ये बंदा लड़ाई नहीं कर रहा है, मतलब ये बंदा कितना महान है यार, और उसकी पूरी औकात है, क्योंकि वो पूरी अपनी चीजें दिखाता था सभी लोग को, जो भी आते थे उनको बताता था कि भाई मैं इतना पावरफुल हूं, देख लो अभी भी मिलिट्री मैंने रखी हुई है अपनी, क्योंकि अशोक ने कभी भी अपनी मिलिट्री को अबेंडन नहीं किया था, खत्म खारे वो नहीं किया था, बंद नहीं किया था, उसकी मिलिट्री मेंटेन कर रहा था वो, बट उसके उत्तरा अधिकारी उसकी ये वाली जिसको डिटरेंस पॉलिसी बोलते हैं इंटरनेशनल रिलेशन में, ये नहीं समझ पाए, दूसरी सब चीज समझ गए, और इसलिए मौर्यन एम्पायर का पतन होता है। मैं आपको गारंटी दे रहा हूं, जो एंगल मैंने आपको दिया वो एंगल आपको मिल सकता है, राइट, मिल सकता है, मैंने पढ़ाया बहुत है 10 साल से, वो एंगल आपको मिल सकता है, बट मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि हमारे जीएस की क्लास में इस लेवल की प्रोफेशनल तैयारी करवाई जाती है, कि जब आपके सामने अगर कोई मेंस का क्वेश्चन आता है कि लिखो धमकी नीति के बारे में, जब आप ये चीज मेंशन करोगे अपने मेंस के आंसर में, तब सामने वाले को पता लगेगा कि आपको क्लैरिटी है चीजों को लेकर, कि जो दिखता है वो नहीं बिकता, बेचा कुछ और जाता है, विमल इलायची समझ गए आगे की बात करें, विमल के नाम से गुटके बेचे जा रहे हैं, करेक्ट, ये पॉलिसीज होती है भाई साहब, यही तो चीज आपको समझनी है, और ये वही समझ पाएगा जो चीजों को गहराई से देखेगा, बट आपको गहराई से देखने के लिए बैठकर विचार नहीं करना है, वो विचार हम कर चुके हैं, आपको सिर्फ सिंपली आप चाहो तो हमें ज्वाइन करो, हम आपको बताएंगे कि किस तरीके से आगे बढ़ना है। अशोक की मिशनरी एक्टिविटीज ने हेल्प किया बुद्धिज्म को ट्रांसफॉर्म करने के लिए, और बुद्धिज्म को ग्लोबल लेवल पर लेके गया अशोक। फिर और भी काफी सारी चीजें कि अशोक ने बुद्धिज्म ही क्यों चूज किया है, फलाना 500 चीजें हैं अभी, मतलब इसका ऑटोमेटिकली अपने आप में 1.5-2 घंटे का लेक्चर है भैया। एनीवेज आगे की चर्चा करते हैं, सॉफ्ट डिप्लोमेसी थ्रू बुद्धिज्म, देखो ये जो मैं बता रहा था यहाँ पे आ गया। अब इसको नॉर्मली पढ़ोगे ना तो उसमें आपको समझ में नहीं आएगा, ये सॉफ्ट डिप्लोमेसी, ये समझने के लिए वो पूरी स्टोरी समझना जरूरी, जो मैंने भी आपको थोड़ी देर पहले बताई, ये डिप्लोमेसी भाई साहब, कि अपने साथ गनमैन खरीद के हाथ जोड़ रहा है इंसान, मतलब सोचो इतनी पावर होने के बाद हाथ जोड़ रहा है, मतलब दैट मींस वो कितना बड़ा पावरफुल आदमी है, जैसे बोलते ना कि जो ज्यादा शक्तिशाली व्यक्ति होता है वो बात कम करता है, नजरों में ही खेल हो जाता है, और जो आम आदमी है, कॉमन मैन है, किसी ने कुछ बोला नहीं कि वहां से गाली बकना शुरू, ब्ला 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 ब्ला। अब हमेशा देखना जितने भी बड़े पावरफुल लोग होते हैं ना, वो एक लुक देते हैं, बस लुक, साइलेंट, और आंखों में आग आग डालते हैं और निकल जाते हैं, ये तो कंधे पे ऐसे हाथ ठपठपा के निकल जाते हैं, ठीक है बेटा ऐश करो, और उस समय जो सामने वाले के ऊपर जो बीतती है ना, कि साला यार इसका पावर भी है सब कुछ है, मुझे बोला नहीं इसने कुछ,
और जो पावरफुल व्यक्ति होता है वो छोटी मोटी चीजों पर ध्यान देता ही नहीं, वो अपना काम कर रहा होता है, और जो कॉमन मैन है वो प्लानिंग करता रहता है कि अब मुझे इसकी एस्तेसी करना है, ये करना है, अभी वो करना है, अपना टाइम वेस्ट करता है। तो यही तो थिंकिंग आपको सेट करनी है भाई इस एग्जामिनेशन के अंदर। मेनली पढ़ाई नहीं करनी है आपको, आपको अपनी पर्सनालिटी डेवलप करना है, क्योंकि पढ़ाई तो सभी लोग कर लेते हैं। अगर सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन में पढ़ाई होती तो सिविल सर्विसेज पहले ही बोल देता कि भाई 90% जिसके आए हैं, 90-99% वो ही आओ, उसके अलावा आने की जरूरत नहीं। बट उसने क्यों बोला कि हमें सिर्फ ग्रेजुएशन चाहिए, क्योंकि ये सब कला हर एक इंसान डेवलप नहीं कर पाता। कोशिश करोगे तो डेवलप कर लोगे, वो क्वालिटी डेवलप कर लोगे। जैसे होता ना कि जब एक रूम के अंदर कोई अधिकारी जब एंटर करता है तो उसको बताने की जरूरत नहीं होती कि वो अधिकारी उसका ताव बता देता है। कई बार आपने देखा हो, आप किसी व्यक्ति को देखते से नहीं समझ जाओगे यार ये टॉप नॉच लेवल का अधिकारी है कोई, उसका बिहेवियर, उसका बात भी नहीं करेगा वो, छोड़िए आप चलेगा, उसका ऑरा ही बता देता है, चमक बता देती है। तो इंडिया जो है, हमारे यहाँ पर भाई पूरी विरासत है। हमने भी बुद्धिज्म के माध्यम से एशियन कंट्रीज के साथ कनेक्ट किया, जैसे इंटरनेशनल बुद्धिस्ट कॉन्क्लेव, बुद्धिस्ट टूरिज्म, ये सब हमने प्रमोट किया। काफी सारी बुद्धिस्ट साइट इंडिया के अंदर, जैसे नालंदा महाविहार, सांची स्तूप, महाबोधि मंदिर, रिकॉग्नाइज किया गया इसको यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स के तौर पर, राइट। फिर बुद्धिस्ट टूरिज्म को प्रमोट किया हमने स्वदेश दर्शन स्कीम के थ्रू, प्रसाद स्कीम के थ्रू आइकॉनिक टूरिस्ट साइट्स डेवलप करी बुद्धिस्ट टूरिज्म को प्रमोट करने के लिए। हमने अभी रिसेंटली खुशीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो है उसका उद्घाटन किया, बुद्धिस्ट पिलग्रिमेज टूरिज्म पे कनेक्टिविटी एनहेंस करने के लिए। ये चीजें हैं, समझनी है भाई साहब, समझ में आया, मजा आया। थोड़ा सा टॉपिक स्ट्रेच हो गया क्योंकि इसमें मैंने आपको थोड़ा सा जनरल स्टडीज का फील बताया, इसीलिए। एनीवे चलो आप फटाफट आगे बढ़ते हैं। तो ये इस टॉपिक में पूरी चीज काम की थी बॉस, कोई ऐसी चीज नहीं थी कि जिसको छोड़ना है आपको, ये पूरी चीज लिखने वाली है, नोट्स बनाने वाली है मतलब। और इस जीएस वाले नोट्स आप लोग मत बनाना अगर आप हमारे साथ जुड़े हुए तो, क्योंकि हम आपको पूरे नोट्स प्रोवाइड कराई देते हैं। गुरु ग्रंथ साहिब की बहाली, जब्त, कॉन्फिस्केटेड का मतलब होता है जब्त, जो जब्त की गई थी गुरु ग्रंथ साहिब। गुरु ग्रंथ साहिब क्या है किसी को पता है, कमेंट बॉक्स में लिख के बता सकते हो। सिख धर्म के अंदर ये एक होली बुक है, गुरु ग्रंथ साहिब होली बुक, जिसमें नानक जी की टीचिंग्स के बारे में मेंशन है, और 10 के 10 गुरु जो हैं उनकी टीचिंग्स है इसमें। गुरु ग्रंथ साहिब को कंपाइल किसने किया कोई बता सकता है नीचे कमेंट बॉक्स पे लिख के। ये सब जनरल स्टडीज के क्वेश्चंस हैं जो आपको पता होने चाहिए। दिसंबर 2023 में 2 कॉपीज हैं गुरु ग्रंथ साहिब की, इनको जो है वो जब्त कर लिया गया था कतारी अथॉरिटीज के द्वारा, क्योंकि कहा गया कि ये एसोसिएटेड है अनऑथराइज रिलीजियस एस्टैब्लिशमेंट के लिए, अनधिकृत धार्मिक प्रतिष्ठान से ये जुड़े हुए हैं। तो इसीलिए बताया गया कि कतरी अथॉरिटीज के द्वारा इसको जब्त कर लिया गया दिसंबर 2023 में। इंडियन गवर्नमेंट आई, हमने बातचीत करी, और बातचीत करके ऑब्वियस ही बात है कि हमारा दबदबा है भाई साहब, सेंट्रल एशिया में पूरा हमारा दबदबा हो गया है, साउथ ईस्ट एशिया, साउथ एशिया एज अ बिग ब्रदर के तौर पर प्ले कर रहे हैं हम लोग। तो आराम से हम बात करा हमने, और हमने बोला भाई हमारी जो इंडियन एम्बेसी है दोहा में, उनको बोला कि अब जाओ और अब जाके बातचीत करके बोलो किताब वापस। तो ये दोनों कॉपी हमको वापस मिल गई। ये इंसिडेंट ने हाईलाइट किया कि दोनों ही रिलीजियस टेक्स्ट सिखिज्म के अंदर इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, राइट। और ये बहुत ज्यादा जरूरी है कि स्थानीय कानून का पालन भी करना है, राइट, दोनों चीजें हैं। अब पूरा मामला जो है वो समझिए आप। ये कतर के जो अधिकारी हैं, इन्होंने 2 भारतीय नागरिक से गुरु ग्रंथ साहिब की 2 कॉपीज जो है वो जब्त करी थी, और इस जब्ती की वजह यह बताई गई कि आधिकारिक मंजूरी के बिना धार्मिक प्रतिष्ठान चलाने में उनकी संलिप्तता थी, जो कि स्थानीय नियमों का उल्लंघन है। भाई कतारी गवर्नमेंट मना कर रही है कि भाई आप किसी प्रकार के रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन नहीं ओपन करोगे, उनका रूल्स कहता है। तो अगर आप ओपन कर रहे हो गुरु ग्रंथ साहिब के थ्रू उसको प्रमोट कर रहे हो, तो दे विल गोइंग टू अरेस्ट यू, तो ये तो रूल्स है ना। तो हमने जब बात करी कतारी अथॉरिटी से, तो हमने उनको क्लियर बोला कि हाँ भाई वी नो अबाउट कि सभी का अपना अपना रूल होता है, उस रूल को फॉलो करना पड़ता है, ये जरूरी है। बट ये भी जरूरी है किसी का धर्म है,
अब ठीक है उनसे गलती हो गई भाई साहब, बट ये एक धार्मिक पाक किताब है, होली होली बुक है यार ये, है ना। इसको तो आप जब्त मत करिए, इसको जब्त करना मतलब वो सही चीज नहीं है, वो अच्छा नहीं है रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से। किसी के सेंटीमेंट, रिलीजियस सेंटीमेंट हर्ट हो सकते हैं यार, तो इसको वापस दे दो। आइंदा से ये नहीं होगा, हम समझाएंगे, वापस हो गई। प्यार से चीजें सब हो सकती है बॉस। मैं आपको अपना इंसिडेंट बताता हूं, अभी बीच में मैं जाता रहता हूँ, महाकाल दर्शन करने जाता रहता हूँ। क्या होता है, आप अगर किसी से अकड़ते हो ना, तो सामने वाला आपका कोई काम नहीं करेगा। मैं महाकाल गया था, एक फ्रेंड के साथ गया था, XUV500 थी हमारे पास, और उसमें मतलब पूरा वो था, जलवे थे उसमें, हूटर वूटर लगे हुए थे, आप समझ लीजिए, ज्यादा डिटेल में नहीं आऊंगा मैं। तो अब मैं वहां से निकल रहा था, तो हमें बाईपास करना था एक बैरीगेट को, पुलिस के बैरीगेट को, क्योंकि वो उन्होंने रोड ब्लॉक किया हुआ था, और अगर हम पलट के जाते तो हमें कम से कम 6-7 किलोमीटर गोल घूमना पड़ता। अब वो बैरीगेट लगे हुए थे, वहां पे एक हवलदार रैंक का व्यक्ति था। मैंने कुछ नहीं किया, उसको हाथ जोड़ के बोला, मैंने कहा साहब ये हमें निकलना है, भोपाल की तरफ पहुंचना है, तो अब ये प्लीज बैरीगेट खोल दीजिए। तो उसने ये बोला कि भैया ये सरकारी बैरीगेट लगा है, बंद किया तो किसी वजह से किया होगा। मैंने हाथ जोड़ के उसको बोला, मैंने कहा साहब सरकार तो आप ही हो। खुश हो गया बंदा, उसे खोल दिया यार, तुरंत खोल दिया, ना कोई बहसबाजी ना कोई। और वहीं मैं अगर सायरन बजवाता, खोल इसको, ये कर वो कर, तो वो आगे चढ़ जाता भाई। दूसरी स्टेट की गाड़ी है, दूसरी स्टेट पे जाके आप सायरन बजा के काम कर ही नहीं सकते हो। दूसरी स्टेट में पुलिस वाले से दबिश करोगे तो वो फिर बताएगा कि क्या है क्या नहीं है, मना कर देता, बोलता कि नहीं साहब यहाँ पे अलाउड नहीं है। फिर 2 मिनट लगता है प्यार से इस्तेमाल करके रिक्वेस्ट करने में, और काम होता है। अकड़ के चलोगे तो जिंदगी में कभी कोई काम नहीं होगा। और सबकी रिस्पेक्ट करो, कोई भी हो, ये मत सोचो कि अरे हवलदार रैंक है तो क्या हुआ, बताते हैं इसको रुको, हम तो कर रहे हैं IAS की तैयारी, SDM बनेंगे, हवलदार का क्या है, हवलदार का भी बताते हैं रुको। बदतमीजी किसी से मत करना, नहीं तो कभी कुछ नहीं बन पाओगे लाइफ में, क्योंकि ये ऑफिसर की क्वालिटी होती है, वो कभी किसी से बदतमीजी नहीं करते। नेक्स्ट, ये वाली बात समझ में आई। नेक्स्ट, हमने कैसे इंटरवीन किया, तो हमने हमारी जो इंडियन मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स जो बातचीत करती है दूसरी कंट्रीज के साथ, इन्होंने मुद्दे को उठाया कतर के साथ, और उनसे बोला कि भैया ये हमारी जो किताब है ये बहुत ज्यादा हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, ये प्लीज वापस कर दीजिए इसकी कॉपीज। तो इंडियन एम्बेसी जो दोहा में थी, उन्होंने एक्टिवली जो है वो सिख कम्युनिटी को जो है वो इंफॉर्मेशन दी, और बताया कि भाई देखो कतरी लॉज हैं, उनके रूल्स रेगुलेशन हैं, सिचुएशन रिजॉल्व करनी तो उनके रूल्स रेगुलेशन के हिसाब से चलिए भाई, ये चीज मत करिए। तो वो भी माने, बोलते हाँ भाई बात सही है। फिर कतरी अथॉरिटीज ने जब रिटर्न कर लिए दोनों स्वरूप, यानी कि दोनों कॉपीज इंडियन एम्बेसी को, और पूरा मैटर जो है पीसफुली रिजॉल्व हो गया। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स जो है उन्होंने एक्नॉलेज किया कि हाँ भाई हमने बोला कि नहीं यार ये चीजें जो है वो नहीं होंगी, अब आप टेंशन बिल्कुल मत लीजिए, इंडियन नेशनल जो है वो लोकल लॉज को फॉलो करेंगे, अब हमसे ये गलती नहीं होगी, माफी चाहेंगे बस। और ये एक बड़ा मुद्दा बन सकता था, लड़ाई झगड़ा दंगे हो सकते थे, बट नहीं हुए, पीसफुली काम हो गया। समझना जरूरी है पीसफुली काम करवाने के लिए, अंडरस्टैंडिंग बहुत जरूरी है, अंडरस्टैंडिंग नहीं है तो कुछ नहीं होगा। गुरु ग्रंथ साहिब जी के सिग्निफिकेंस यानी कि महत्व के बारे में बात करें, तो गुरु ग्रंथ साहिब जिनको बीर कहा जाता है, लिखिए ये पॉइंट इंपॉर्टेंट, बीर, और ये लिविंग गुरु है सिख के। कौन है लिविंग गुरु, मतलब ये सिखाती है, जैसे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है उसको लिविंग कॉन्स्टिट्यूशन बोलते हैं ना, तो ये लिविंग गुरु है सिख के। हर एक बीर के अंदर हम लोग को 1430 पेजेस देखने को मिलते हैं, जिनको अंग्स कहा गया है, और बहुत ही रिस्पेक्ट के तौर पर इस ग्रंथ को अत्यंत पवित्र जो है माना जाता है। इसमें सिख के गुरु जो है 10 के 10 गुरु, उनकी पूरी शिक्षाएं लिखी हुई हैं। पहला बीर जो था वो कंपाइल किया था गुरु अर्जन देव जी के द्वारा, यानी कि पहला गुरु ग्रंथ साहिब पहली बार अर्जन देव 1604, गुरु गोविंद सिंह जी ने इसको जो है एक्सपेंड किया, और उसमें गुरु तेज बहादुर जी के वर्सेस भी शामिल किए गए। 1708 में गुरु गोविंद सिंह जी ने डिक्लेयर किया गुरु ग्रंथ साहिब जो है वो इटरनल गुरु है, ये चीज भी ध्यान में रखना। इनने घोषित कर दिया कि गुरु ग्रंथ साहिब जो है वो शाश्वत गुरु है, मतलब कि ये है भैया गुरु है ये, उसको आप गुरु मानोगे। और फाइनल और मोस्ट इंपॉर्टेंट स्पिरिचुअल गाइड जो है मानी सिख के लिए, कि भाई ये आपको गाइड करेगा।
ये आपके गुरु है, लिविंग गुरु है, इनको फॉलो करना है। फिर सिखिज्म के बारे में हम बात करें तो सिखिज्म की बिलीफ जो है वो मोनोथिज्म के ऊपर है। एक ओंकार आपने सुना होगा, है ना, ये बोलते हैं एक ही गॉड है, एक ओंकार। और ये बोलते हैं कि भाई भगवान को आप हर चीज में देखो, सिमरन, हर चीज में भगवान को याद करो, दुश्मन में भी भगवान को देख लो। इक्वलिटी, सिख जो है वो इक्वलिटी पर फोकस करते हैं, समानता पर, किसी प्रकार का भेदभाव नहीं रेस रिलीजन जेंडर के आधार पर। उपास रखना, मूर्ति पूजा करना, ये सब रिचुअल प्रैक्टिस जो है उन्होंने त्याग दी। इनने बोला कि ये सब नहीं करना है, इनने बोला कि हम एक बैलेंस लाइफ जो है वो जियेंगे। इनने बोला कि भाई रिस्पॉन्सिबिलिटीज विदाउट रेनाउंसिंग द वर्ल्ड, इस दुनिया को छोड़े बिना रिस्पॉन्सिबिलिटी दुनिया की निभाएंगे। इसे आप जाइए गुरुद्वारे के अंदर, कोई व्यक्ति गुरुद्वारे में जाएगा उसको कभी भी मना नहीं किया जाएगा किसी चीज के लिए। वैसे किसी भी धार्मिक जगह पे मना नहीं किया जाता, सबको अलाउड रहता है। क्या मुस्लिम भी है, जैसे मेरे मुस्लिम फ्रेंड्स हैं काफी सारे, तो मेरी दादी जी ने बहुत बढ़िया सा मंदिर बनवाने में अपना योगदान दिया था, मतलब उन्हीं ने ही शुरुआत करी थी यहाँ पर, जहाँ पे मैं रहता हूँ एक पहाड़ वाले एरिया पे, यहाँ पर हम घर के नज़दीक में ही है, तो वहाँ पर मंदिर है ऊपर, पहाड़ी वाला माता के नाम से मंदिर फेमस है, और पहाड़ी वाला माता मेरी दादी जी को कहते थे कि वो दादी हैं, माता जी उनको लोग बोलते थे। तो उन्होंने वो मंदिर इस्टेब्लिश किया, बनाया, सबके कॉन्ट्रीब्यूशन थे, मतलब उन्होंने नहीं बनाया, मतलब उन्होंने शुरुआत करी और उनको बहुत सारे लोगों ने सपोर्ट किया, क्योंकि मंदिर कोई एक व्यक्ति का नहीं होता यार, सबका होता है, मानना ये है। तो वहां पर जब भंडारा होता है तो मेरे मुस्लिम फ्रेंड्स भी आते हैं, नौमी वगैरह जो हम लोग को देखने को मिलता है ना, तो उसमें भंडारे होते हैं, तो सब आते हैं फ्रेंड्स, मैं भी जाता हूं मजार वगैरह, मस्जिद वगैरह, दरगाह वगैरह, गुरुद्वारे जाता हूं, कहीं कोई किसी भी रिलीजियस जो प्लेसेस है उस पर किसी को रोक टोक नहीं है। बट यहां पर बात हो रही है गुरुद्वारे की। गुरुद्वारा के अंदर रेगुलर बेसिस पर काफी सारे ऐसे गुरुद्वारे हैं जहां पर रेगुलर लंगर लगता है, रेगुलर। अब यहां पर कोई संकोच नहीं करता, एक बड़ा सा बड़ा आदमी भी, एक अधिकारी लेवल का आदमी भी बैठकर शू पॉलिश करता है। मैंने एक वीडियो देखा था यार, बहुत बढ़िया सा था, एक डीएसपी रैंक के वो थे ऑफिसर, वो अंदर बैठ के शूज साफ कर रहे हैं और बाहर जब निकल के आया तो अपनी वर्दी पहन के आया। तो देखिए आप सोचिए, एक व्यक्ति उनको जो है वो बोलता है कि जल्दी साफ कर दो, तो वो चुपचाप साफ कर रहा है। फिर वो व्यक्ति जब बाहर देखता है उनको, अरे ये तो बड़े अधिकारी हैं यार, सोचो। मतलब कुल मिलाकर ईगो नहीं रखना है, ये चीज सिखिज्म के अंदर सिखाई गई, बहुत बढ़िया है। ईगो मत रखो किसी भी तरीके से। नेक्स्ट, आप थोड़ा ज्यादा बोल रहा हूं ना, मुझे बोला गया यार कि मैं अच्छे से नहीं पढ़ा रहा क्या आप लोगों को, पता नहीं थोड़ा सा ऐसा आया था। अब होता है कभी कभी, हो जाता है ऐसी चीजें भी, मैं कोशिश तो करता हूँ अच्छे से पढ़ाने की यार, मुझे लगता है कि मैं अच्छे से पढ़ाता हूँ, मुझे तो लगता है कॉन्फिडेंस, क्योंकि मैं उस हिसाब से आपको चीजें देता हूँ जेन्यूनली, बट ठीक है होता है। गुरु नानक जी, सिखिज्म जो है उसका फाउंडेशन किया गुरु नानक जी ने 1469 टू 1539 के पीरियड में, और उसके बाद फिर 9 सक्सेसिव गुरुज हम लोग को देखने मिले, टोटल 10 गुरु हैं। और भक्ति मूवमेंट से इन्फ्लुएंस हुए थे, वैष्णव हिंदुइज्म से जो है इन्फ्लुएंस हुए, बट इन्होंने अपने अलग प्रिंसिपल जो है वो रखे। सिख गुरु जो है स्पेशली गुरु अर्जन देव, गुरु तेज बहादुर, ये मुगल एम्परर के अंडर हम लोग को देखने को मिला कि इनको बहुत ज्यादा सामना करना पड़ा, और इसी के लिए इन्होंने खालसा का फाउंडेशन रखा। खालसा, गुरु गोविंद सिंह जी ने इसको एस्टैब्लिश किया था खालसा को, जो बहुत सारी चीजों की जानकारी देता है, कमिटमेंट, प्रतिबद्धता, डेडिकेशन, सोशल कॉन्शियसनेस, सामाजिक चेतना, समर्पण, इसको सिखाता है। मेंबर्स होते हैं खालसा के, उनको जो है फॉलो करना पड़ता है 5K, केश, कंघा यानी कि रखते हैं, यानी कि जो सरदार है जो फॉलो करते हैं ये खालसा प्रिंसिपल को, तो अपने साथ ये 5 चीजें हमेशा रखेंगे, बाल नहीं काटना है, पगड़ी रखनी है, कंघा, एक लकड़ी का जो है वो कंघी होगी उनके पास, एक आयरन ब्रेसलेट होगा कड़ा जिसको हम लोग बोलते हैं, कचेरा यानी कि कॉटन की अंडरपैंट्स हम लोग को देखने को मिलेंगे, अंडरवियर जिसको होता है सूती अंडरवियर, और कृपान, एक डग्गर हम लोग को जो है वो देखने को मिलता है लोहे का खंजर। नेक्स्ट,
सिख टेम्पल जो है जिनको गुरुद्वारा कहते हैं सभी के लिए ओपन है रिगार्डलेस ऑफ फेथ, जो मैं भी आपको बता रहा था। और गुरु ग्रंथ साहिब जो है वो यहाँ पर पढ़ी जाती है, और यहाँ पर फ्री कम्युनिटी किचन है जिसको लंगर हम लोग जो है वो बोलते हैं। मुझे बता सकते हो कमेंट बॉक्स में लिखकर कि लंगर की शुरुआत किसने की थी। सिखिज्म के अंदर चार मेन राइट्स हम लोग को देखने को मिलता है, राइट्स मतलब संस्कार, बर्थ एंड नेमिंग, चार संस्कार याद रखना, जन्म और नामकरण, फिर मैरिज होती है, विवाह होता है, फिर आपको खालसा की दीक्षा लेनी है, फिर फ्यूनरल सेरेमनी, दैट्स इट। ये चार ही सिर्फ हम लोग को राइट्स यानी कि संस्कार देखने को मिलते हैं। और इस पे ये कहा गया कि आपको काम करो, आप चैरिटी करो भाई, दान दक्षिणा करो और प्रे करो। बस ये था गाइस पूरा ओवरऑल टॉपिक, उम्मीद करता हूँ पूरी चीज अच्छे से समझ में आई होगी। अब नेशनल स्पोर्ट्स डे 2024 की बात हो रही है, तो ये कब मनाया जाता है, तो हर साल 29 अगस्त को जो है वो सेलिब्रेट किया जाता है। इस समय मेजर ध्यानचंद जी की बर्थ एनिवर्सरी के अवसर पर ये देखने को मिलता है। और मेजर ध्यानचंद जी के बारे में तो आप सभी लोग जानते होंगे यार, इंडिया के ग्रेटेस्ट फील्ड हॉकी प्लेयर हम लोग को देखने को मिलते हैं। और इस दिन स्पोर्ट्स को और फिजिकल फिटनेस को इंडिया के अंदर प्रमोट किया जाता है। ये बेसिकली एक प्लेटफॉर्म भी है गवर्नमेंट के लिए, गवर्नमेंट बहुत सारी स्पोर्ट्स से रिलेटेड स्कीम्स इस समय लॉन्च करती है। इवेंट के अंदर हम लोग को देखने को मिला था कि एक रीसेट प्रोग्राम लॉन्च किया गया जिसका फुल फॉर्म है रिटायर्ड स्पोर्ट्स पर्सन एम्पावरमेंट ट्रेनिंग प्रोग्राम। इसका मेन ऑब्जेक्टिव यही है कि जो रिटायर्ड एथलीट है उनको सशक्त बनाना, एम्पावर करना। ये लिख लेना भैया, ये प्रोग्राम का नाम लिख लेना, और ये लिख लेना कि 29 अगस्त को नेशनल स्पोर्ट्स डे ऑब्जर्व किया जाता है, और किन की बर्थ एनिवर्सरी होती है, तो मेजर ध्यानचंद जी, और वो कौन है जिनको नहीं पता वो लिख लेना, जिनको पता है लिखने की जरूरत नहीं है। नेशनल स्पोर्ट्स डे के बारे में बात करते हैं, ये स्पेशल ओकेजन हम लोग को देखने को मिलता है। इस दिन जश्न मतलब खेल भावना का जश्न मनाने के लिए समर्पित एक विशेष अवसर है, सेलिब्रेट किया जाता है स्पिरिट ऑफ स्पोर्ट्स को इंडिया के अंदर। इसका मेन ऑब्जेक्टिव यही हम लोग को देखने को मिलता है कि इंस्पायर करना सभी एजेस के इंडिविजुअल को कि भाई आप फिजिकल फिट रहो, फिजिकल एक्टिविटीज करो, स्पोर्ट्स कल्चर को लेकर आओ, और जितने भी हमारे इंडियन एथलीट्स हैं उनके अचीवमेंट्स को रहे वो सम्मान दो। फिर इस दिन रिकॉग्नाइज किया जाता है कि भाई हमारी कंट्री के अंदर एथलीट्स का बहुत ह्यूज कॉन्ट्रीब्यूशन रहा है, तो उनको रिकॉग्नाइज किया जाता है। गवर्नमेंट इस प्लेटफॉर्म का उपयोग करती काफी सारी स्कीम्स को लॉन्च करने के लिए, जैसे कि अभी रीसेट प्रोग्राम लॉन्च किया। फिर प्रेस्टीजियस स्पोर्ट्स अवार्ड जो है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड, ये प्रेजेंट किया जाता है इसी दिन ऑनरेबल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा, तो ये फैक्ट भी लिख सकते हो। नेक्स्ट, मेजर ध्यानचंद जी के बारे में बात करें तो इनका जन्म हुआ था 29 अगस्त 1905 को। वन ऑफ द मोस्ट सेलिब्रेटेड हॉकी प्लेयर हैं ये अपने एक्स्ट्रॉर्डिनरी स्टिक वर्क के लिए जाने जाते हैं, और गेम पर इनकी जो समझ थी राइट वो बहुत मतलब आप बोल सकते हो पकड़ जो थी इनकी गेम पर बेहतरीन थी। इंडिया की पहली हैट्रिक ओलंपिक गोल्ड मेडल में इंपॉर्टेंट रोल इन्होंने प्ले किया 1928, 1932, 1936 में। इनका करियर 1926 से 1948 का हम लोग को देखने को मिलता है, जिसमें इन्होंने 185 मैचेस इंडिया के लिए खेले और 400 से ज्यादा गोल्स किए। हॉकी करियर जो है वो उन्होंने ब्रिटिश इंडियन आर्मी रेजिमेंटल टीम में शुरू किया, और मूनलाइट में प्रैक्टिस करते थे राइट, क्योंकि रेजिमेंटल ड्यूटीज इनको सौंप दी जाती थी, आर्मी की ड्यूटी दी जाती थी दिन में, तो रात में जो है अपने अपनी प्रैक्टिस किया करते थे, और इसलिए इनका ध्यानचंद जो चंद जो नाम है वो चांद से है कि रात में प्रैक्टिस करने वाले। तो ये रिटायर हुए एज अ मेजर के तौर पर पंजाब रेजिमेंट से इंडियन आर्मी में 1956 में, और इनको पद्म भूषण अवार्ड से सम्मानित किया, इंडिया का थर्ड हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड। इनके कॉन्ट्रीब्यूशन को सम्मानित करने के लिए इंडियन गवर्नमेंट ने डिक्लेयर किया इनकी बर्थ एनिवर्सरी को एज अ नेशनल स्पोर्ट्स डे के तौर पर 2012 में, और राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड को मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड में कन्वर्ट किया गया 2021 में। अब ये चीज ध्यान सुनना, रीसेट प्रोग्राम हम समझ ही चुके हैं, इस प्रोग्राम के नाम से जन्म आ रहा है कि जो रिटायर्ड स्पोर्ट्स पर्सन होते हैं उनको सशक्त बनाना। तो ये अभी लॉन्च हुआ ये प्रोग्राम, रिटायर्ड स्पोर्ट्स पर्सन एम्पावरमेंट ट्रेनिंग प्रोग्राम। ये प्रोग्राम डिजाइन इसलिए किया गया क्योंकि रिटायर्ड स्पोर्ट्स पर्सन जो है जिनके पास नॉलेज है, स्किल्स है, तो वो एज अ ट्रेनर के तौर पर आ सके, उनको मतलब पैसा भी मिले और उनको रिकॉग्नाइजेशन भी मिले। इसमें यह है कि 20 साल से लेकर 50 साल के एथलीट जो रिटायर हो जाते हैं, यानी कि वो रिटायर कर देते हैं ना, जैसे काफी सारे एथलीट बोलते हैं कि मैं अब स्पोर्ट्स से रिटायरमेंट ले रहा हूं या ले रही हूं, जिन्होंने इंटरनेशनल मेडल्स जीते हैं, पार्टिसिपेट किया इंटरनेशनल इवेंट्स में, या इन्होंने नेशनल और स्टेट लेवल
में इनको रिकॉग्नाइजेशन मिला है। तो ये एलिजिबिलिटी है, एलिजिबिलिटी याद रख लेना कि 20 से 50 साल की उम्र होनी चाहिए, ना 20 से कम ना 50 से ऊपर, जिन्होंने इंटरनेशनल मेडल जीता हो या पार्टिसिपेट किया हो इंटरनेशनल इवेंट में, या इनको किसी प्रकार से राज्य या फिर नेशनल और स्टेट लेवल पर इनको रिकॉग्नाइजेशन मिला, अवार्ड वगैरह मिले हो। ये प्रोग्राम जो है ये दो लेवल पे हम लोग को देखने को मिलता है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन चाहिए क्लास 12th और उससे ऊपर, और क्लास 11th या उससे नीचे। लक्ष्मीबाई नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिकल एजुकेशन ग्वालियर के अंदर है, ये बेसिकली लीड इंस्टीट्यूट है इस प्रोग्राम को इंप्लीमेंट करने के लिए, वेरी इंपॉर्टेंट याद रखना है आपको। नेक्स्ट, नेशनल स्पोर्ट्स डे 2024 जो है इसमें बहुत सारी इवेंट्स, बहुत सारी एक्टिविटीज आई हैं, जिसके अंदर इंटर स्कूल इंटर कॉलेज कॉम्पिटिशन होते हैं, स्कूल स्पोर्ट्स फेस्टिवल होते हैं, एग्जीबिशन लगता है स्पोर्ट्स को इंकरेज करने के लिए, काफ़ी सारी सिटीज काफ़ी सारी टाउन्स के अंदर मैराथन्स होते हैं, फिटनेस कैंप्स होते हैं, वर्कशॉप होते हैं एथलीट्स और कोचेस के, पब्लिक अवेयरनेस कैंपेन चलता है, पब्लिक को बोला जाता है कि भाई स्पोर्ट्स अपनी डे टू डे लाइफ पे जो है वो लेकर आओ, जिससे कि आपकी लाइफस्टाइल अच्छी होगी, फिट रहोगे आप। कम्युनिटी इवेंट्स जो है वो होते हैं जहाँ पर लोगों को बुलाया जाता है, बताया जाता है स्पोर्ट्समैनशिप की स्पिरिट के बारे में, फिजिकल फिटनेस के फायदे के बारे में। अब अलग अलग अवार्ड्स हम लोग को देखने को मिलते हैं, ये अवार्ड ध्यान में रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड, इंडिया का हाईएस्ट स्पोर्टिंग अवार्ड ये हम लोग को देखने को मिलता है, सम्मान है। जो भी चार सालों या उससे ऊपर तक स्पोर्ट्स में अपना बेहतरीन परफॉर्मेंस देते हैं तो उनको इस अवार्ड से सम्मानित किया जाता है, वेरी इंपॉर्टेंट। अर्जुन अवार्ड के बारे में हम बात करें तो 4 साल या उससे ऊपर अच्छा परफॉर्मेंस देने वाले व्यक्ति को स्टैट्यूट दिया जाता है, एक प्रतिमा दी जाती है, सर्टिफिकेट दिया जाता है, प्रमाण पत्र और कैश प्राइज मिलता है। द्रोणाचार्य अवार्ड जो होता है इंडिया का हाईएस्ट स्पोर्ट्स ऑनर है, कोचेस के लिए होता है। फिर मेजर ध्यानचंद अवार्ड जिसके बारे में हम जैसे अभी हमने, एक तो खेल रत्न अवार्ड है और एक ध्यानचंद अवार्ड है, तो ये लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड है स्पोर्ट्स के अंदर। नेक्स्ट, मौलाना अब्दुल कलाम आजाद ट्रॉफी, ये इंस्टीट्यूशन को दिया जाता है और यूनिवर्सिटीज को दिया जाता है, जो इंटर यूनिवर्सिटी टूर्नामेंट में मतलब पिछले साल जिनका एक अच्छा परफॉर्मेंस रहा है, टॉप परफॉर्मेंस रहा है, तो उनको रिकॉग्नाइज किया जाता है। फिर राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार नाम से हमारा ये ऑर्गेनाइजेशन को इंडिविजुअल को दिया जाता है जिन्होंने स्पोर्ट्स को लेकर प्रमोट किया है पिछले 3 सालों में, स्पोर्ट्स का काफी प्रमोशन किया, तो उनको ये अवार्ड दिया जाता है। तो ये फैक्ट थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। अब क्रिप्टो करेंसी के बारे में तो आप सभी लोग जानते हैं, आपको पता होगा क्रिप्टो करेंसी एक डिसेंट्रलाइज डिजिटल करेंसी है। क्या है? डिसेंट्रलाइज डिजिटल करेंसी, विकेंद्रीकृत डिजिटल मुद्रा, लिखना है ये चीज आपको। ये डिजिटल या वर्चुअल करेंसी हम लोग को देखने को मिलती है, ये बेसिकली सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से डिसेंट्रलाइज टेक्नोलॉजी के ऊपर बेस्ड होती है, जिसको लेजर टेक्नोलॉजी जो है वो कहा जाता है, जैसे कि ब्लॉकचेन हुआ है ना। और दूसरी ट्रेडिशनल करेंसी के कंपैरिजन में अगर हम बात करें तो इसको सेंट्रल अथॉरिटी इशू नहीं करती है। अब देखो इसमें, देखो ये वाला जो पॉइंट है ना, ये आज की रेट में धीरे धीरे करके चेंज हो गया है। पहले कोई भी सेंट्रल बैंक या गवर्नमेंट बैंक जो है वो क्रिप्टो करेंसी को गवर्न नहीं कर रही थी, मैं आपको क्लियरली बता दूं, जैसे कि बिटकॉइन को कोई सरकार नहीं चला रही है। यस, बिटकॉइन ऑटोमेटिकली डिमांड और सप्लाई के ऊपर बेस जो है वो चालू है, करेक्ट। इसको बनाया भी किसने उसके बारे में भी जानकारी प्रॉपर नहीं है, पुख्ता नहीं है, बिटकॉइन की अगर हम बात करें जो कि क्रिप्टो करेंसी, राइट। बट आज की रेट में ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि ये सेकंड वाला स्टेटमेंट जो है वो आज की रेट में इसलिए चेंज होगी कि आज की रेट में क्रिप्टो करेंसी को सरकार रेगुलेट कर सकती है, अपनी खुद की क्रिप्टो करेंसी जो वो बनाए और जिस पर अभी काम किया जा रहा है। यस, तो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी जो है वो क्या है, तो ये ऑब्वियसली बात है क्रिप्टो करेंसी के लिए टेक्नोलॉजी बनाई गई है और मेन ऑब्जेक्टिव यही है कि सिक्योरिटी और ट्रांसपेरेंसी जो है वो ट्रांजेक्शन में रहे। हर एक ब्लॉक ब्लॉकचेन के अंदर हम लोग को देखने को मिलता है कि इसमें ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड होता है और एक बार ऐड हो जाता है तो उसको डिलीट नहीं कर सकते, उसको चेंज नहीं कर सकते। डिसेंट्रलाइज नेचर जो ब्लॉकचेन का होता है वो कोई भी एक सिंगल कंपनी को सिंगल एंटिटी को मैनिपुलेट करने से रोक देता है कि वो करेंसी को या उसके रिकॉर्ड को जो है वो मैनिपुलेट नहीं कर सकते, मतलब बिल्कुल पुख्ता, यानी कि एक बार प्रिंट हो गया तो प्रिंट हो गया, फिर उसको आप डिलीट नहीं करोगे, चेंज नहीं कर सकते। अब डिजिटल वॉलेट और करेंसी माइनिंग के बारे में बात करें तो देखो क्रिप्टो करेंसी ट्रांजेक्शन को एंगेज करने के लिए एक इंडिविजुअल के पास डिजिटल वॉलेट होना चाहिए, राइट। जैसे पेटीएम का वॉलेट होता है ना, वैसे ही एक आप मान के चलो बिटकॉइन का वॉलेट, मतलब एक कोई ना कोई चीज चाहिए कि जहां पर डिजिटली उनको देखे कि उनके पास कितना पैसा है। तो ये कैसे एक्वायर हो सकती है? माइनिंग के थ्रू। ये एक ऐसी प्रोसेस हम लोग को देखने को मिलती है जिसके अंदर पावर का इस्तेमाल किया जाता है सॉल्व करने के लिए कॉम्प्लेक्स मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स को।
और इसी में ही हम लोग को देखने को मिलता है कि ट्रांजेक्शन जो होता है वो कंफर्म होते हैं और ब्लॉकचेन के अंदर उनको ऐड कर दिया जाता है, यानी कि कोई भी सक्सेसफुल ट्रांजेक्शन के लिए एक कॉम्प्लेक्स मैथमेटिकल प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व होती है, राइट। रोल जो होता है क्रिप्टो करेंसी का फाइनेंशियल सिस्टम में, तो ऑब्वियस सी बात है ये इनोवेटिव अप्रोच है ट्रांसपेरेंसी के लिए, है कि नहीं, अकाउंटेबिलिटी के लिए, ये बहुत बेहतरीन चीज है। लिखा है कि सिक्योर और ट्रांसपेरेंट ट्रांजेक्शन इसके अंदर होते हैं, जैसे कि फ्रॉड और ऑपरेशनल कॉस्ट जो है वो कम हो जाती है। एक टोकनाइजेशन होता है, एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें एसेट्स को डिजिटल टोकन में कन्वर्ट कर दिया जाता है, करेक्ट। और इसके अंदर नए फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स हम लोग को देखने को मिल सकते हैं, एसेट मैनेजमेंट मॉडल्स देखने को मिल सकते हैं। तो आजकल इन सब चीजों पर काम किया जा रहा है। चैलेंजेस और क्रिटिसिज्म इसके लिए क्या है, तो देखो पहली चीज सबसे बड़ा चैलेंज तो यही कि उसको चला कौन रहा है इसके बारे में जानकारी नहीं है, पूरा मार्केट के ऊपर बेस ये चलता है, राइट। अभी देखो जैसे जिसने बिटकॉइन जो है वो खरीदे होंगे, मेरे ख्याल से शायद अगर मैं गलत नहीं हूँ तो 2010-11 के आसपास, राइट, या 11-12 या 10-11 या 12-13 ही मान लो, 14 मान लो, तो आज की डेट में वो 1 करोड़पति बन गया। बट वी नेवर नो कि वो कैसी गिर जाए एकदम से, कि किसी ने भी लेटेस्ट खरीदा और वो गिर गया, क्योंकि शेयर बाजार तरीके का यही है, इसका चढ़ना इसका उतरना मार्केट के ऊपर पूरा डिपेंड करता है, अनसर्टेनिटी है, राइट, क्रिप्टो करेंसी के अंदर। बट हाँ, इसको इसमें आप देखो बिटकॉइंस के थ्रू इलीगल, जैसे कि डार्क वेब के बारे में आपने सुना होगा, डार्क वेब के अंदर जितनी भी इलीगल एक्टिविटीज होती हैं वो होती हैं। कोई व्यक्ति किसी को अगर पेमेंट करना है, इलीगल पेमेंट, मनी लॉन्ड्रिंग करनी है, टेरर फाइनेंसिंग करनी है, तो बिटकॉइंस के थ्रू हो रही है आजकल, यानी कि क्रिप्टो करेंसी के थ्रू, क्योंकि उसको पकड़ा नहीं जा सकता, सिक्योर्ड ये नेटवर्क हम लोग को देखने को मिलता है। ये चीजें हैं। अभी न्यूज में जो है वो क्या चीज आई है कि क्रिप्टो करेंसी जो है वो आज की डेट में इस पर वाइड स्प्रेड डिससेटिस्फेक्शन है गवर्नमेंट के साथ, यानी कि देखो इन्फ्लेशन, महंगाई बढ़ रही है, इकोनॉमिक क्राइसिस हम लोग को देखने को मिल रहा है, पूरे दुनिया भर में फाइनेंशियल क्राइसिस आज की डेट में चल रहा है, राइट। तो ये बताया जा रहा है कि ये जैसे ही हम लोग को क्राइसिस के बाद की स्थिति देखने को मिली, तो क्रिप्टो करेंसी में सरकार जो है वो विश्वास नहीं रख रही है, क्योंकि ये किसके ऊपर बेस्ड है, मार्केट के ऊपर बेस्ड है। मार्केट ऊपर होगा रेट हाई होंगे, मार्केट डाउन होगा तो रेट गिर गए। फिर कई बार हम लोग को जो है देखने को मिलता है कि संदेह होता है इस फाइनेंशियल सिस्टम के ऊपर, क्योंकि देखो इसके पीछे कोई गवर्नमेंट बैकिंग तो है नहीं, है ना, रेगुलेटरी चैलेंज हम लोग को देखने को मिलता है। तो वही चिंता वाली बात वही है कि इसके पीछे कोई गवर्नमेंट बैकिंग नहीं है। बट हाँ, अब ऐसी क्रिप्टो करेंसी पर काम किया जा रहा है जिसको रेगुलेट करेगी सेंट्रल बैंक, बस और कुछ नहीं है इसके अंदर, इस टॉपिक के अंदर, दैट्स इट। अब इकोनॉमिक और सोशल पर्पस, किस पर्पस के लिए आप कर सकते हो, क्रिप्टो करेंसी जो है वो एक ऑल्टरनेट होती है सेंट्रलाइज फाइनेंशियल सिस्टम का, पर्टिकुलरली उस क्षेत्र में जिस समय जिस क्षेत्र में इकोनॉमी स्टेबल नहीं है या बैंकिंग सर्विस लिमिटेड है, तो वहां पर आप क्रिप्टो करेंसी का उपयोग कर सकते हो। ये फाइनेंशियल ऑटोनॉमी देती है कि मतलब कोई भी एक एंटिटी या गवर्नमेंट, एक कंपनी या गवर्नमेंट बैंक को नहीं चला रही है, ये ऑटोमेटिक चल रहा है, तो उससे लोगों को थोड़ा सा रिलैक्स रहते हैं लोग। बट रिलैक्स नहीं रहना चाहिए, क्योंकि देखो आपने बिटकॉइन में इन्वेस्ट किया एग्जाम्पल, और अचानक से आपके वॉलेट में जीरो आ गया, आपने उसके अंदर जैसे फॉर एग्जांपल 1 करोड़ रुपए डाले और जो जीरो हो गए, आप किसके पास जाओगे कंप्लेन करना है, कोई कॉल सेंटर है क्या, नहीं, हेल्प डेस्क है क्या, नहीं, फिर आपके तो बैंड बज गई। बट वहीं अगर आपका बैंक अकाउंट से कुछ पैसे घटते हैं तो आप डायरेक्ट बैंक जाके पता बोल सकते हो कि ये क्या है, पैसा क्यों घट रहा है, बताओ, है कि नहीं, कंप्लेन कर सकते हो, यहाँ पे कुछ नहीं है ऐसा। तो यही चीजें हैं बस जिसके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए, बाकी और कुछ नहीं इस टॉपिक के अंदर, दैट्स इट। फ्यूचर परस्पेक्टिव जो है वो क्या है, तो ये लॉन्ग टर्म, अभी फ्यूचर में इस पर जो है वो काम करने पर फोकस किया जा रहा है, कि इस पर क्रिप्टो करेंसी पर जो है वो काम करेंगे हर जगह, ठीक है, दैट्स इट। तो देखो आज की रेट में आपको पता है कि हम लोग सस्टेनेबल एनर्जी सॉल्यूशंस पर काम कर रहे हैं, एनवायरमेंट फ्रेंडली सॉल्यूशंस पर काम कर रहे हैं, राइट। तो हमें नए नए इनोवेशन की आवश्यकता है एनर्जी हार्वेस्टिंग टेक्नोलॉजी के लिए, यानी कि ज्यादा से ज्यादा हमें एनर्जी मिल सकेगी। देखो यार, एनर्जी की डिमांड तो ऑब्वियस सी बात है कि आने वाले समय में भी बढ़नी है, और हम फॉसिल फ्यूल्स के ऊपर डिपेंडेंट रह नहीं सकते हैं दो चीजों को लेकर, एक तो वो खत्म होता जा रहा है, दूसरा वो एनवायरमेंट के लिए बड़ा दिक्कत वाली कहानी है। तो मैकेनिकल एनर्जी ज्यादा मात्रा में हम लोग को देखने को मिलती है और एक्सेसिबल है और प्रॉमिसिंग सोर्स है कि इसको आप इलेक्ट्रिक एनर्जी में, मैकेनिकल को आप इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हो अलग अलग मेथड के थ्रू। एक मेथड होता है जिसको बोलते हैं पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, लिख लेना पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है, याद रखिएगा पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का मतलब सिंपल सी चीज, मैकेनिकल एनर्जी को आप कन्वर्ट कर दो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, किसको, मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में क्या करना, कन्वर्ट करना,
बस इस विधि को पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहते हैं। रिसर्च ने डेवलप किया है पीजो इलेक्ट्रिक पॉलीमर नैनो कंपोजिट, जिसके पास पोटेंशियल है कि वो ज्यादा एनर्जी प्रोवाइड कराने में सक्षम है। क्या है ये पीजो इलेक्ट्रिक पॉलीमर नैनो कंपोजिट, लिख लो पीजो इलेक्ट्रिक, नेक्स्ट लाइन पीजो इलेक्ट्रिक पॉलीमर नैनो कंपोजिट। पीजो इलेक्ट्रिक क्या है वो आपको पता लग गया। अब देखो रिसर्चर जो है जो कि सेंटर फॉर नैनो एंड सॉफ्ट मैटर साइंस बेंगलुरु के, लिख लेना, इन्होंने कोलैबोरेट किया है किसके साथ, नेशनल केमिकल लेबोरेटरी पुणे के साथ, और इन्होंने क्रिएट किया है पीजो इलेक्ट्रिक पॉलीमर नैनो कंपोजिट मटेरियल को। तो ये चीज लिख लो, ये इसमें आ सकती है प्रीलिम्स में। ये मटेरियल जो है वो डेवलप किया गया, इसके अंदर दो जिरकोनिया बेस्ड मेटल ऑर्गेनिक फ्रेमवर्क और UIO66 और UIO67, तो ये बेसिकली एलिमेंट्स हम लोग को देखने को मिल रहे हैं, इनका इस्तेमाल किया इन्होंने और इसको कन्वर्ट कर दिया जिरकोनिया नैनो पार्टिकल्स में। ये नैनो पार्टिकल्स जो है ये बेसिकली कंट्रोल कर सकते हैं क्रिस्टलोग्राफिक फेस को मोनोक्लिनिक और टेट्रागोनल, यानी कि स्पेसिफिक, यानी कि ये बना सकते हैं, इसको कंट्रोल करके बना सकते हैं नैनो पार्टिकल्स इस चीज में, यानी कि अब एनर्जी बन रही है, कुछ नहीं है। ये नैनो पार्टिकल्स जो है ये पॉली विनाइलिडीन डाइफ्लोराइड में जो है वो आ सकते हैं, इनको लाया जा सकता है उस स्टेट पे जिसको हम लोग पीजो इलेक्ट्रिक पॉलीमर जो है वो कहते हैं, और इसका मतलब होता है पॉलीमर नैनो कंपोजिट फिल्म। अभी आपको लग रहा होगा कि सर ये समझ में नहीं आ रहा क्या चीज है, समझा दो यार, मजा नहीं आ रहा, ये ऊपर से आ रहा है पूरा, मुझे पता है ना कि आपको कौन सी चीज समझ में आएगी कौन सी नहीं आएगी, इसलिए मैंने आपको थ्योरी बताई कि भाई देख लो थ्योरी में, ये पढ़ोगे तो भी ऊपर से सब चीज जाएगी, बट अब जो मैं बताऊंगा उससे आपको पूरी चीज क्लियर हो जाएगी। पहली चीज मैंने आपको क्या बताई, पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है, यहां ध्यान से रहो, सिंपल सी चीज, मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट करना, मतलब हम कहीं ना कहीं से इलेक्ट्रिसिटी या पावर जनरेट कर रहे हैं। अब साइंटिस्ट रिसर्चर ने क्या किया, इधर देखो ध्यान से, इनने क्या लिया, ये दो एलिमेंट्स लिए UIO66 और UIO67, अभी दिखाया मैंने, याद आया, इसको और जूम कर देते हैं, ये डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी की ही ऑफिशियल वेबसाइट का है ये, चलो इस वेबसाइट को खोल के दिखा देते हैं, देखो DSTGOV.in वेबसाइट का ये नाम है, देखो डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, बिल्कुल जो भी चीज करो वो ऑफिशियल सोर्स के थ्रू ही करनी है आपको भैया, ये चीज मेरी ध्यान रखना, आपको ऑफिशियल सोर्स के थ्रू ही जो है वो चीजें समझनी है, राइट। देखो हमें क्या देखने को मिल रहा है, इन्होंने क्या किया, इन्होंने इससे पॉलीमर्स बनाए, तैयार किए, और इसका इस्तेमाल जो है आप वेरियस सिक्योरिटी अलर्ट सिस्टम के लिए जो है वो कर सकते हो। देखो यहां पर देखो क्या दिखा रहे हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल ये एक एक प्रकार से कोई व्यक्ति अगर यहां पर आया, एंटर हुआ, देखो ये दिख रहा है आपको, चोर टाइप का एक व्यक्ति दिखाई दे रहा है यहां पर, इनने क्या किया, एक पॉलीमर यानी कि कपड़ा बना दिया, राइट। इसमें क्या है, इलेक्ट्रिक इफेक्ट है, कोई भी इसके ऊपर चलेगा तो तुरंत ये कनेक्ट होगा कंप्यूटर से और अलर्ट सिस्टम को पता लग जाएगा कोई यहां पर आया है, मूवमेंट हुआ है, तो ये क्या कर रहा है, मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट करके तुरंत जो है वो सिग्नल पहुंचा रहा है, ये चीज है। अब बात समझ में आ गई आपके, पॉलीमर, पॉलीमर क्या होता है, ये देखो पॉलीमर कपड़ा एक हम लोग को जो है वो देखने को मिलता है, नेचुरल या आर्टिफिशियल केमिकल कंपाउंड जो बड़े बड़े मॉलिक्यूल मॉलिक्यूल से वो बनती हैं, ये देखो आप फोटो में दिखाता हूं, पॉलीमर, और पॉलीमर ये देखो इस तरीके की चीज, ये एग्जांपल्स पॉलीमर के, ये सब है टेफ्लॉन, रबर, प्लास्टिक, पॉलिस्टर, वूल, आरएनए, डीएनए, शुगर केन में भी हम लोग को देखने को मिलता है पॉलीमर्स। अब पॉलीमर नैरो कंपोजिट्स देख लो, जिसका ये टॉपिक हम लोग को देखने को मिल रहा है, देखो ये बिल्कुल फाइबर वाली चीज, और ये पीजो इलेक्ट्रिक है, मतलब इसके अंदर आपने ये वो इफेक्ट डाल दिया है कि जिससे कि मैकेनिकल एनर्जी कन्वर्ट हो जाएगी इलेक्ट्रिक एनर्जी में, एज सिंपल एज दैट। देखो इसके एप्लीकेशन देख लो आप, पॉलीमर नैरो कंपोजिट का उपयोग जो है वो कहां कहां पर किया जाता है, पता है इसका उपयोग एयरक्राफ्ट बनाने के पर्पस के लिए भी किया जाता है, ये चीजें हैं। तो इस तरीके से पढ़ोगे, इस तरीके से समझोगे तो चीजें समझना आपके लिए बहुत आसान रहेगा। अब मेरे ख्याल से अब आपको बात समझ में आ गई होगी, ठीक है। तो हमने जो है वो क्या समझा कि साइंटिस्ट रिसर्चर ने एक ऐसा पॉलीमर तैयार किया है जिसके अंदर पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है, बस। अब नैनो पार्टिकल जो स्ट्रक्चर हम लोग को ये छोटे छोटे स्ट्रक्चर देखने को मिलते हैं पीजो इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टी वाले, तो उससे फायदा जो है वो किन किन चीजों में होगा, तो रिसर्चर ने ऑब्जर्व किया कि ये क्रिस्टल स्ट्रक्चर और इसका सरफेस जो है इसमें जिरकोनिया नैनो पार्टिकल्स शामिल हैं, राइट।
और जो कि पीजो इलेक्ट्रिक जिनकी प्रॉपर्टी हम लोग को देखने को मिलती है पॉलीमर मटेरियल में। नैनो कंपोजिट जो है जिसके अंदर मोनो क्लिनिक जिरकोनिया नैनो पार्टिकल्स है, तो वो किससे बन रहा है, UIO66 और UIO67 से हम लोग को देखने को मिल रहा है कि तैयार हो रहा है, जो सुपीरियर पीजो इलेक्ट्रिक परफॉर्मेंस देता है दूसरे डेरिवेटिव्स के कंपैरिजन में, यानी कि प्योर पॉलीमर के कंपैरिजन में। तो इन्होंने उन पार्टिकल्स का यूज किया है कि जो कि पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को और अच्छा बनाने में, बेहतर बनाने में हेल्पफुल होते हैं, बस दैट्स इट। देखो लेबोरेटरी स्केल वायरलेस ब्लूटूथ बेस्ड सिक्योरिटी अलर्ट सिस्टम, इन सब चीजों में इसका उपयोग किया जा सकता है। मैंने भी आपको फोटो देखा है, फोटो से आपको चीजें क्लियर हो ही होंगी आधी से ज्यादा। और एनर्जी स्टोर करने की इसमें क्षमता हम लोग को रहे वो देखने को मिलती है, एनर्जी जनरेट करती है ये, ठीक है। बस और भी काफी सारी चीजों में इसका उपयोग जो है वो किया जा सकता है, बस वैसे इतना ज्यादा डिटेल में नहीं आएगा, साइंस एंड टेक्नोलॉजी वाली चीज है। पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट आपसे पूछेंगे, मैं आपको बताता हूँ यही चीज है बस। और बस ये प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से ध्यान में रखना, ये पीजो इलेक्ट्रिक नैनो कंपोजिट एनर्जी के पर्पस के लिए, एनर्जी हार्वेस्टिंग के लिए जो है वो अभी डेवलप किया गया रिसर्चर्स के द्वारा। TRAI इसका आंसर मैं आपको बताऊंगा नहीं, टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया का ये क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट, इसके बारे में तो आपको पता होना ही चाहिए। तो TRAI के बारे में इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स पर लिखकर बताओ, वीडियो पॉज करो फिर लिखना, क्योंकि इसका आंसर भी आपको दिख जाएगा, इसका करेक्ट आंसर है सी। नेक्स्ट इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, अब इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल जो है ये इंपीरियल क्रिकेट कॉन्फ्रेंस के तौर पर आई थी, ICC के तौर पर इंपीरियल क्रिकेट काउंसिल इसको बोलते थे, कॉन्फ्रेंस बोलते थे 1909 में। ICC जो है वो ऑर्गेनाइज करती है मेजर इंटरनेशनल टूर्नामेंट्स, आपको ऑलरेडी पता है, जैसे ICC क्रिकेट वर्ल्ड कप, ICC T20 वर्ल्ड कप सुना होगा आपने। ICC के अंदर 12 मेंबर्स होते हैं जो टेस्ट मैचेस जो है वो हमें देखने को मिलता है कि प्ले करते हैं। नेक्स्ट, अब ये रिन्यूएबल एनर्जी से रिलेटेड ये क्वेश्चन आ गया आपका मेंस का, ट्राई करिएगा इस क्वेश्चन का आंसर लिखने की। तो उम्मीद करता हूँ पूरी चीज आपको अच्छे समझ में आई होगी। और देखो मैंने आपको बोला है कि मुझे लग रहा है कि शायद मैं ढंग से पढ़ा नहीं रहा हूँ, ये मुझे लग रहा है, ठीक है, किसी और को नहीं, ये मुझे लग रहा है, क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि आप लोग के कमेंट्स नहीं आते हैं, लाइक नहीं आता है। तो थोड़ा भाई लाइक किया करो, कमेंट किया करो, जिससे मुझे पता लगे कि हाँ भाई आपको मेरी दौरत चीजें समझ में आ रही। और प्लीज फीडबैक दीजिएगा कमेंट बॉक्स में कि कैसा पढ़ा रहा हूँ मैं आपको, पूरी चीज क्लियर हो रही है कि नहीं हो रही, फीडबैक जरूर दिया करो सभी लोग, फीडबैक जरूरी है, वो मेरे लिए भी जरूरी है, आपके लिए भी जरूरी है, और कंटिन्यूटी बना के रखो बस। चलो मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक बाय बाय, टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे, जय हिंद।